सेंट्रल जेल में सजा काट रहा एक बंदी पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया। जेल प्रशासन ने उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस आरोपी फरार कैदी की तलाश में जुटी है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बताया कि केंद्रीय कारागृह में जेल प्रहरी के पद पर तैनात सिमरन सिंह की शिकायत पर राजस्थान कार्यक्रम अधिनियम की धारा 58B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया कि नागौर निवासी महिपाल सिंह नवम्बर महीने में वापस जेल में आमद करानी थी, लेकिन वह तय समय पर वापस नहीं आया। हाँ, कल शाम को 9 बजे के लगभग केंद्रीय कारागृह से सुपरिटेंडेंट की शरीर क्या नाम भगवान दास जी की रिपोर्ट आई। रघुवीर क्या नाम महिपाल सिंह जो 20 रोज से पेरोल पर गया हुआ था, जिसकी वापसी कल 2:11 को शाम तक थी, मगर वो आए नहीं हैं, पेरोल से फरार हो गया। इस संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, 403 नंबर का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी तलाश हेतु श्री किशोर सिंह हेड कॉन्स्टेबल को तफ्तीश सुपुर्द की गई है। लोकल SHO वहाँ के जसवंतगढ़ को भी मैसेज दिया गया है और सभी जगह मुश्तरी जारी की गई, जहाँ भी ये महिपाल सिंह मिले उसको दस्तियाब कर थाने पर पेश कर। सर कहीं में ये गिरफ्तार? ये वहाँ जसवंतगढ़ पोक्सो का मामला था जिसके अंदर बंद था 2016 से। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।